हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फुटवेयर मिस्टेक्स की जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अपने फुटवेयर के साथ। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। तो सबसे पहली और कॉमन मिस्टेक जो मैंने सबसे ज़्यादा लोगों को करते देखा है अपनी स्टाइलिंग में, वो ये है कि वो न्यूड कलर की स्लिपर्स तो ले लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि उन्हें कौन सा वाला न्यूड लेना है, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं न्यूड कलर के अंदर कि अपना वाला न्यूड ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बस सिर्फ एक ट्रिक को समझना है कि आपका वाला न्यूड वो है जो आपकी आउटर स्किन का कलर है। आपको नियरेस्ट पॉसिबल वो कलर लेना है अपने फुटवेयर में जो आपके स्किन से मैच करता हो। और अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो न्यूड हील्स आपकी बहुत मदद करेंगी आपकी लेग्स को एक एलोंगेटेड लुक देने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खरीदें अपना वाला न्यूड अपने फुटवेयर में। तो फ्लैट्स पहनना किसको पसंद नहीं है, हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं फ्लैट्स में। लेकिन जब भी आप फ्लैट स्लिपर्स पहने तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पैरों पर जो नेल पेंट लगा है वो हमेशा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। आप कितनी भी अच्छी फ्लैट फुटवेयर पहन सकती हैं, लेकिन अगर आपका नेल पेंट चिप्ड है तो आपके फुटवेयर के लुक को बिल्कुल खराब कर देता है। तो इंजॉय कीजिए अपने कंफर्टेबल फ्लैट फुटवेयर में विथ सम गुड नेल पेंट। तो आपको भी जुत्तीस का बहुत शौक है, क्या करें, जुत्तीस होती ही बहुत कंफर्टेबल हैं और आजकल तो बहुत स्टाइल स्टेटमेंट हो गई हैं जुत्तीस। तो अगर आपको भी जुत्तीस पहनना पसंद है तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जुत्तीस जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं जब आपने अपने बॉटम वेयर को एंकल लेंथ के साथ पहना हो। आप वैसे साड़ीज़ के साथ भी जुत्तीस पहन सकती हैं, अनारकलीस के साथ भी जुत्तीस पहन सकती हैं, आप अपने कुर्ता सेट्स के साथ भी जुत्तीस पहन सकती हैं। जो प्लाजो वाले आपके कुर्ता सेट्स हैं या शरारा वाले कुर्ता सेट्स हैं, आपको सिर्फ समझना ये है कि आपकी जुत्तीस का विजिबल होना बहुत जरूरी है। तो जब आप कैजुअली कुर्ताज के साथ जुत्तीस पहने तो कोशिश करें कि आप एंकल लेंथ बॉटम वेयर पहने, और जब आप फॉर्मली जुत्तीस पहने तो आप कोशिश करें कि आपकी जुत्तीस जो हो वो बिल्कुल विजिबल हो आपके फॉर्मल वेयर में। तो अगर डेनम्स आपका फेवरेट गारमेंट है और आप ज़्यादातर स्ट्रेट कट या बूट कट पहनती हैं तो आपको हमेशा फुटवेयर जो पहननी है उनमें हील्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जौन सी भी ऐसी डेनम्स हैं जो नीज के बाद से फ्लेयर में आती हैं तो उनको हील्स के साथ पहनना इसलिए ज़रूरी है कि जिससे हम उन्हें स्पेस दे सकें उनकी लेंथ में और हम लंबे लग सकें ऐसी डेनम्स के अंदर। आप जब भी बूट कट डेनम्स के साथ या स्ट्रेट कट डेनम्स के साथ हील को कैरी करते हैं तो जो आपकी आउटफिट्स हैं उसमें काफ़ी टॉलर एंड लीनर लुक जो है क्रिएट होता है और ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड लगता है हील के साथ। सो इफ यू लव फ्लेयर्ड डेनम्स देन यू शुड इन्वेस्ट इन गुड हील्स। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा फुटवेयर पहनना चाहिए या कौन सा फुटवेयर लेना चाहिए। फुटवेयर लेना कौन सा चाहिए वो आपको हमेशा अपने फुट शेप और अपने हील के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए, और आपके लिए कौन सी हील परफेक्ट है उसके लिए ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी आई बटन में। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन से फुटवेयर को किस आउटफिट के साथ पहनना है। तो आपको हमेशा फुटवेयर की जो सिलेक्शन है वो अपने बॉटम वेयर के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। लाइक अगर आप कुछ सेपरेट्स पहन रही हैं, यानी कि आप कुर्ता पहन रही हैं और उसके साथ प्लाजो पहन रही हैं, या आप शर्ट पहन रही हैं साथ में ट्राउजर या डेनम पहन रही हैं, तो आपके बॉटम वेयर की जो सिलुएट है वो कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है अपना फुटवेयर। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लगना चाहती हैं लंबा और पतला तो आप ट्रांसपेरेंट स्लिपर्स या न्यूड कलर की स्लिपर्स पर स्टिक कर सकती हैं, ये आपको टॉलर लुक देने में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप फ्लैट्स कैरी करती हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि जो आपकी फ्लैट्स हैं, जुत्तीस हैं या कोई भी फुटवेयर जिसमें कि हील नहीं है, आप उसके साथ ऐसा बॉटम वेयर पहने जिससे कि आपका फ्लैट फुटवेयर विजिबल रहे। और अगर आप कोई ऐसा वन पीस पहन रही हैं, चाहे
चाहे वो इंडो वेस्टर्न है, एथनिक है, वेस्टर्न है, तो आपको जहां पर भी उसकी लेंथ जो है एंड करती है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए कि आपको उसके साथ कैसा फुटवेयर पहनना है। अगर वो एंकल से ज्यादा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसके साथ हील्स पहने, लेकिन अगर वो एंकल से ऊपर है तो आप उसके साथ बिल्कुल फ्लैट्स पहन सकती हैं। लहंगा और साड़ीज में मैंने सबसे ज़्यादा फुटवेयर मिस्टेक्स होते देखी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको साड़ीज के साथ कभी भी पेंसिल हील्स कैरी नहीं करनी चाहिए, उससे साड़ीज के फटने का डर रहता है। हमेशा आपको प्लेटफॉर्म या वेज हील्स पहननी चाहिए साड़ीज के साथ। और अनारकली के साथ भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका अनारकली है वो कहाँ पर एंड कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अनारकलीज में नीचे बॉर्डर्स होते हैं, तो अगर आप बहुत पतली हील्स पहनेंगी उनके अटकने का डर अनारकली में भी रहता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आप एक ट्रायल लेकर देख सकती हैं, क्योंकि हम फॉर्मली ज्यादा पहनते हैं अनारकली को, कि चलते हुए आपका जो अनारकली है आपको अटक तो नहीं रहा, क्योंकि जॉर्जेट और शिफॉन के जितने अनारकलीज हैं वो एकदम फट जाते हैं पेंसिल हील्स में अटकते ही, तो आपको इस बात पर ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये कि जब भी आप अनारकली पहने या साड़ीज पहने या कोई भी फुल आउटफिट पहने, तो आपकी जो हील्स हैं वो 1.5 inches तक जरूर दिखनी चाहिए उस गार्मेंट के अंदर से। इसको आप एक थंब रूल कह सकती हैं और ये काफी आपको हेल्प करेगा चलने में भी, डांस करने में भी, और आउटफिट भी आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। और मैं उम्मीद कर रही हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करेंगी अपने फुटवेयर को लेकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ जरूर नया सीखा होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो ये बहुत जरूरी है मेरे लिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कुछ और क्वेरीज भी हैं फुटवेयर से रिलेटेड तो ये कमेंट बॉक्स जो है आपके लिए खुला हुआ है, आप अपनी क्वेरीज को यहां पूछ सकती हैं। और आप मेरे साथ जुड़ सकती हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है द होप स्टोरी ऑफिशियल। आप मेरे साथ जुड़ सकती हैं पर्सनलाइज सेशन के लिए भी, और उसकी डिटेल्स भी मिलेंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और क्योंकि हो गई है बहुत गर्मियां, तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपनी छत में, अपनी बालकनी में कुछ पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।